हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। जैसा कि हाल ही में स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना ने शानदार वापसी करी और अपने सेगमेंट में वो कुछ ना कुछ हिंट देके चले गए। अब उन हिंट्स के बाद काफी रूमर्स जॉन सीना को लेकर के सामने आ रहे हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट उससे पहले रसलमेनिया 36 को लेकर कुछ रूमर्स भी सामने आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं सेथ रॉलिंस से। जैसा कि रसलमेनिया 36 के लिए बड़े बड़े मैच सामने आ चुके हैं, जिनमें से काफी तो टाइटल मैचेस हैं, वहीं सेथ रॉलिंस को लेके भी कुछ रूमर सामने आ रहे हैं, जिसमें उनके रसलमेनिया 36 के प्लान के बारे में बताया जा रहा है। इन रूमर्स में सेथ रॉलिंस का मैच केविन ओवंस के खिलाफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस के लिए इस बार बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं दिखने वाला है रसलमेनिया 36 में। वहीं नेक्स्ट रूमर सामने आ रहे हैं एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच चल रही फ्यूड को लेकर के। जैसा कि इन दोनों लेजेंड्स के बीच हमें रसलमेनिया 36 में मैच तो दिखना ही है, वहीं इस फ्यूड की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुई है और एज हमें 9 मार्च 2020 के एपिसोड में दिखने भी वाले हैं। अब इनके होने वाले मैच से जुड़ा एक रूमर सामने आ रहा है कि WWE इस मैच में कोई खास स्टिपुलेशन ऐड करेगी और फिर इनके बीच मैच होगा रसलमेनिया 36 में। हालांकि अभी स्टिपुलेशन क्लियर नहीं हो पाई है कि वो स्टिपुलेशन कौन सी होगी इन दोनों के बीच में। चलिए अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि जॉन सीना के जब वापसी का ऐलान हुआ, तब से उनको लेके काफी रूमर सामने आ रहे थे कि उनका मैच फिंड के साथ हो सकता है यूनिवर्सल टाइटल के लिए या गोल्डबर्ग के साथ हो सकता है। अब ये रूमर सही तो हुए, बट फिंड अब यूनिवर्सल चैंपियन नहीं रहे हैं। फैंस को लग रहा था कि जॉन सीना अगर यूनिवर्सल टाइटल मैच में दिखेंगे तो वो 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे, बट अब ऐसा होता नहीं दिखने वाला है। वहीं जॉन सीना ने स्मैकडाउन के एपिसोड में आके अपने सेगमेंट में कहा कि वो इस बार रसलमेनिया 36 में नजर नहीं आएंगे और उन्होंने कहा कि मैं यंग रेसलर की रेस्पेक्ट करता हूं और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उनका रसलमेनिया मूवमेंट छीन लूं। और ये कहकर के जॉन सीना रैंप तक पहुंच गए, जिसके बाद फैंस को लगा होगा कि वो रसलमेनिया में नहीं दिखने वाले हैं। बट उसके बाद फिंड ने आके उनको चैलेंज करा। अब जॉन सीना का मैच फिंड के साथ होना है रसलमेनिया 36 में। आप सभी को याद दिला दूं कि जॉन सीना वर्सेस ब्रे वाइट के बीच रसलमेनिया 30 में भी हमें मैच दिखा था जहां ब्रे वाइट की हार हुई थी। बट रसलमेनिया 36 में होने वाले मैच में लग रहा है कि फिंड की जीत होगी। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में फिंड गोल्डबर्ग से हारे हैं और फिर अगर WWE जॉन सीना से भी उन्हें हराते हुए दिखाएगी तो फिंड के लिए ये अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद माना जा रहा है कि जॉन सीना ने कहीं ना कहीं अपने रिटायरमेंट की हिंट दे दी है और शायद मे बी ये रसलमेनिया 36 में ही होता दिख जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनते हुए नहीं दिखने वाले हैं। WWE के पास यही एक मौका था उन्हें बुक करके चैंपियन बनाने का, बट ऐसा नहीं हुआ तो ये बाद में भी पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जॉन सीना ने रसलमेनिया 35 के बाद अब वापसी करी है और फिर वो एक पार्ट टाइमर भी हैं। अब पता नहीं वो रसलमेनिया 36 में दिखने के बाद कब वापसी करेंगे। सोचिए अगर दिखे भी तो WWE रसलमेनिया 36 के बाद जॉन सीना को रोमन रेंज के खिलाफ तो बुक नहीं करने वाली है, जिस वजह से अब काफी मुश्किल लगता है कि जॉन सीना हमें 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है WWE नहीं चाहती हो कि जॉन सीना रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि रिक फ्लेयर विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के काफी करीबी हैं, जिस वजह से खुद विंस मैकमैन और ट्रिपल एच नहीं चाहते हो कि ऐसा हो। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिक फ्लेयर की वजह से ही शार्लेट को WWE में कैसा पुश दिया जा रहा है और वो क्या क्या अचीव कर चुकी हैं। अगर फ्यूचर में जॉन सीना चैंपियन बनते हैं तो अच्छा है, वरना जॉन सीना के फैंस के लिए कहीं ना से भी अच्छा नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अभी भी आपको उम्मीद है जॉन सीना इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे आने वाले टाइम में, कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।